15 मई 2022 गुलमर्ग कैंपिंग हम करने गए, गुलमर्ग में हम कैंपिंग करने गए और हम पहुंचे बहुत ही लेट। जैसा कि आप देख सकते हो, अंधेरा हर किसी साइड से था, अंधेरा छाया हुआ था। और फिर हमने अपना कैंप इरेक्ट किया, बहुत अच्छी जगह। तो आज का जो व्लॉग है, इट्स बेस्ड ऑन अवर टूर, रादर कैंपिंग टूर गुलमर्ग। और इस वक्त मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। टाइम क्या है? टाइम है 12:21, इट्स 12:21, सो इट्स 20 past 12। तो मैं आपको बता दूँ, हम रात के 1 बजे इस वक्त गुलमर्ग के मार्केट में हैं और मेरे साथ है आमिर एंड हम इस वक्त आए थे यहाँ पे कुछ ढूंढने के लिए मार्केट, लेकिन मार्केट क्लोज है। फिर भी वी मैनेज टू गेट सम मिक्स वेज एंड सम कोल्ड ड्रिंक्स। तो अब हम जाएंगे कैंप की तरफ। आई विल ड्राइव नाउ। तो रात के 1 बजे है और हम ड्राइव कर रहे हैं बैक टू अवर टेंट। तो ये आप देख सकते हैं, सुन होना इस वीकेंड बजाम बराबर 12:03। इट्स 12 सड़क पे ना बंदा है न बंदे की जात है। लाइट उसमें बंद, कुछ ड्राइवर तो ब्रोख सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी जवान। इस तरीके हम पहुंच गए अपने कैंप पे और यहाँ पे चावल परोसा जा रहा है सुहेल के जरिए। सुहेल चावल परोस रहे हैं और जो इस वक्त हमारे पास खाना है, हाँ तो नमक कम है, बहुत कम है, थोड़ा सा डाला गया। तो हमारे पास ये है मिक्स्ड वेज, आप देख सकते हैं ये है मिक्स्ड वेज। इसमें जो अभी हमने बाजार से लाया, इसमें भी अच्छा टेस्ट है। यहाँ से एक दाल है हमारे पास, कोशिश की कि हम मीट लाए लेकिन नॉन वेज मिला ही नहीं हमें बाजार में। तो गुलमर्ग की हसीन वादियों में अगर आपने खाना खाने के बाद रात को आग नहीं जलाई तो क्या किया? आग जला के जब आप अपने हाथ सेकते हो, आग के बाहर रहते हो, तो बड़ा मजा आता है। यहाँ पे आमिर जो है तो इस वक्त रात के आप देख सकते हैं टाइम खुद, तो इट्स 1:29, 1:30 बज गए हैं रात के। और हम इस वक्त है, हम चारों के चार, सुहेल है मेरे साथ है आमिर और है बाबर, और हमने यहाँ पे है हमारे टेंट दो, वो वहाँ पे एक टेंट, ये यहाँ पे दूसरा टेंट। वी जस्ट फिनिश्ड अवर डिनर, तो और यहाँ पे हमने जलाया है ये, और देखिए कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल। ओके, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? इट्स बेस्ट एक्सपीरियंस, बहुत मजा आ रहा है अभी यहाँ पर। अच्छा, टाइम क्या हुआ है इस वक्त? इस वक्त बज रहे हैं 132। ओके, मुझे बोलिए आप कि इस वक्त 1:30 बजे हम बैठे हैं बाहर और हमने आग जलाई है, ये कितना खूबसूरत, और यहाँ से इतनी खूबसूरत ब्यूटी है गुलमर्ग की, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिंदगी यही है। ओके सुहेल, हाँ जी सर, बोले आप कैसा लगा आपको ये, आपको कैसा फील हो रहा है इस वक्त, कैसा फील हो रहा है आपको? सर बहुत मजा आ रहा है।
सो टाइम हुआ है 2:28, आग अभी भी जल रही है, सुहेल फोन के साथ लगा हुआ है और बाबर बड़े आराम से बैठे हैं आग के नजदीक और आग का लुत्फ उठा रहे हैं और आमिर ऑलमोस्ट तो सो रहे हैं राधा। तो आग बड़ी खूबसूरत है। जब हम कल शाम को आए थे तो हमें नहीं पता था कि क्योंकि बहुत अंधेरा हुआ था, हमने कहाँ पे कैंपिंग की है और जगह तो देखी थी लेकिन नहीं पता था कहाँ पे है, क्या है और कैसी जगह है बाहर से। तो चलो देखते हैं कि कैसी जगह है ये बाहर से। लेट अस ओपन और कैंप। ओह जबरदस्त खूबसूरत व्यू है बाहर से। ये है हमारा दूसरा टेंट, मैं जिसमें सोया हूँ वो है पहला और वो है खूबसूरती, वो है ब्यूटीफुल लैंडस्केप। हमारा कैंप और हम वहां से आए, फिर यहां से आए और अब हम जा रहे हैं मार्केट की ओर क्योंकि हम लाएंगे वहां से रोटी और फिर बनाएंगे हम चाय। तब तक वो जो दो बंदे हैं हमारे वहां पे आमिर और बाबर वो करेंगे काम, वो चाय बनाएंगे तब तक एंड मी एंड सुहेल विल गेट दोस विल गेट दैट विल गेट रोटी। सो मैं आपको बताता चलूं कि कितना खूबसूरत है गुलमर्ग, कितना खूबसूरत है गुलमर्ग। you know? कह सकते हैं कि इट इज अ पैराडाइज इन पैराडाइज। यस दिल मचलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। इधर से देखिए क्या व्यू है और कितना खूबसूरत ये आ रहा है। बर्फ अभी जो पहाड़ों पे है वो पिघली नहीं है, वो मेल्ट नहीं हुई है। मुझे थोड़ी सी ठंड लगी रात को, थोड़ी बहुत बस ज्यादा नहीं, लेकिन हमारी जो अदर टीममेट्स है उनको ठंड नहीं लगी। They were feeling quite good. अच्छा अब हम चल रहे हैं गोल्फ कोर्स में से। वो देखो सन की तरफ देखो आप, सन हैज जस्ट कम आउट और खूबसूरती देखिए, ग्रीनरी देखिए राधा, ग्रीनरी देखिए कि कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है। सर अब आप बोलिए इस खूबसूरत नजारे के बारे में। इसके बारे में क्या कहना है, ये तो अपनी कहानी खुद बयान कर रहा है। दिस इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ऑल्दो आई हैव बीन कमिंग हियर फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स, आई हैव विजिटेड हियर सो मेनी टाइम्स दैट आई हार्डली रिमेम्बर कि मैं कितनी दफा यहाँ पे आया हूँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कितने काउंटलेस टाइम्स। लेकिन एवरी टाइम आई कम हियर इट रिजुनवेट्स मी दैट वो जिंदगी के जो काम है और बहुत सारे जो भी हम करते हैं वहाँ पे वो तो चलते रहते हैं और दैट स्ट्रेसेस यू, दैट गिव्स यू दैट प्रेशर और आप उसे क्या हो जाते हो अपने उस जिंदगी के यू नो जिंदगी में मुलवस हो जाते हो और फिर स्ट्रेस भरी जिंदगी होती है। लेट मी टेल यू दिस इज लाइफ सर। नहीं सुहेल आर यू गेटिंग मी? यस सर। हाँ तो दिस इज लाइफ, यही जिंदगी है, यही जिंदगी है, यही लम्हे है जीने के। इस ग्रीनरी को देखिए, इस खूबसूरती को देखिए सर, सबने इतने जरा इधर दिखाइए, इतने वास्ट मैदान को देखिए, इतने इन हट्स को देखिए, इन होटल्स को देखिए,
इन पहाड़ों को देखिए, इन पहाड़ों को देखिए, इधर दिखाइए ना सुहेल साहब, अपना दिखा रहे तो इधर देखिए, इन पहाड़ों को दिखाइए, देखिए इसके ऊपर बर्फ को देखिए, ये तो मतलब इधर दिखाइए. आई डोंट हैव वर्ड्स टू कमेंट ऑन दैट, ऑल्दो आई कमेंटेड अ लॉट, बट आई डोंट हैव वर्ड्स टू कमेंट ऑन इट. मतलब इट्स अल्टीमेट माय डियर सुहेल. यस सर, इट्स अल्टीमेट. तेमिस जीबीएस का स्टीयरिंग फेयर नहीं मशीन का सुअरी किस खूबसूरती से इनके इधर खूबसूरत है. यस सर. तो अब हम आए मार्केट से वापस और सुहेल आगे चल रहा है. सुहेल क्या लाया हमने? एक तो हमने दूध लाया, सब्जी लाई, रोटी लाई और बटर लाई हमने, अंडे भी लाए हमने, दूध भी लाया और एक चिकन लाया हमने. चले हम अब इसको तैयार करेंगे कैंप पे, फिर खाएंगे. बस खूबसूरती देखिए आप, कितनी खूबसूरती है. इट्स सो ब्यूटीफुल, सो मेस्मराइजिंग. यहाँ पर पूरे गुलमर्ग में कहीं मज नहीं होगी. नहीं है वहाँ पे आगे है, चर्च भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सब चीजें हैं. एक सिक्यूलर गुलमर्ग है ये, सिक्यूलर गुलमर्ग, जहाँ पे हर कोई हर किसी रिलीजन की शिकायत नहीं है सर गुलमर्ग से. तो रोटी है, बटर है, ऑमलेट है और दाल है और नमकीन चाय है और उसके साथ ये हसीन वादियां हैं. और क्या कहने, और क्या करना है हमें. लाइफ तो यही है, जन्नत तो यही है. डारा कॉल कमेंटर. ओके, तो अभी हम फिर से ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमने सोचा कि हम क्या करें बैठे बैठे कैंप में, जिनमें टेंट में राधा. तो हमने क्या किया काम, हम जाएंगे अब बैट लाने, बैट और बॉल. तो देखते हैं कि कैसा बैट मिलेगा गुलमर्ग में और कैसी बॉल मिलेगी, देखते हैं. चलो लेट अस सी. तो लाया हमने बैट, ये है बैट हमारे सामने इस वक्त डैश पे, आप देख सकते हो ये बैट हमने लाया. और बॉल दिखाइए आमिर साहब, बॉल दिखाइए, बॉल, ये बॉल है और बॉल के साथ ये खूबसूरत वादियां हैं और इन खूबसूरत वादियों में अब हम क्रिकेट खेलना स्टार्ट करेंगे अभी के अभी. तो लेट अस सी कि क्या होगा. और यहां पे हमने आज लंच के बाद स्टार्ट किया क्रिकेट. जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा वो पहला है. इस वक्त मैंने ही सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 24 रन्स. तो देखते हैं 24 रन्स कौन कर पाएगा. ओके, सो बाबर है स्ट्राइक पे और बॉल कर रहे हैं सुहेल. सुहेल की एक्शन भी बड़ी अच्छी है एंड बड़ी बाउंस हुई बॉल, बड़ी अच्छी बॉल. और सुहेल इस वक्त बड़े ही जबरदस्त स्पेल का मुजाहिरा करते हुए और सुहेल पेविलियन एंड से आए, कीज को क्रॉस की एंड गॉन. तो अब मेरी बारी है. तो पांच चारों में से किसी ने ये स्कोर नहीं कर पाए, कोई भी रन नहीं कर पाए. इस तरीके से अब मेरी बारी है, मैं पहले नंबर पे हूं, बैट मेरे हाथ में रहेगा और बाबर जो है वो वीडियो अब सहेल की पहली बॉल और साकिब सर का भरतोड़ जवाब फोर रन की जानिब से. बाल मौत को छूके टक से वापस आ गई. हियर इज सहेल वाईटी और अपने शमशाद द वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर. मगर रेमियन पेट इसे रेमियन बॉलर ग्राउंड में ज्यादा का गिनती किए. साकिब सर सामना करेंगे सहेल का. अब देख सकते हैं कितना बढ़िया शॉट खेला साकिब सर ने, क्या ही बोल. साकिब सर गुलमर्ग में
पूरा आनंद लेते हुए डेथ बॉल फॉर साकिब सर, ओ मुंह तोड़ जवाब। आफ्टर क्रिकेट हम फिर से गए मार्केट कुछ डिनर के लिए, कुछ सब्जी कुछ लाने के लिए। और ये खूबसूरत व्यू है जब हम अपने कैंप से जाते थे और मार्केट की तरफ फिर आते थे वहां से। पांच पैंतीस का वक्त है और गुलमर्ग में स्टार्ट होगी बारिश। सुहेल ने किया काम, ये दे रहा है यहाँ से, ये बना रहा है नालियाँ ताकि जो बारिश का पानी जो यहाँ से आए वो चला जाएगा इसमें। और यहाँ से हमने ये त्रिपाल बिछाया है इस तरीके से, पूरा बड़ा जबरदस्त सेटअप है और चिकन फ्राई किया जा रहा है। ये जो आप साउंड सुन रहे हैं ये बारिश का साउंड है और हवाएं हवाओं का साउंड है और रियल साउंड है। ये बहुत ही तेज बारिश है और हवाएं गुलमर्ग में चल रही थी बार बार, लेकिन हमें बहुत ही अच्छी नींद आई हवाओं और बारिश की वजह से। कभी कभार हम नींद से उठते हैं, अदरवाइज बहुत ही अच्छी नींद हमें। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। ये लाइन है जो वेट कर रहे हैं गंडोला में चढ़ने के लिए। सब आप देखिए खूबसूरत पहाड़ों में, हम क्या ही बोले। अच्छा तो चलिए, देर हो रही है।